हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे बैंकिंग स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि फ्यूचर में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, मतलब उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और वो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो बैंक है वो है यस बैंक। अब आप ये देखिए कि ये बैंक, ये जो इसका पी रेशियो है वो भी माइनस में है, लेकिन ये जो पी रेशियो है वो मार्च 2020 के तब का है। मतलब अभी जो अभी आपकी इसकी क्वार्टरली इसकी अर्निंग देखोगे तो कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बैंक है। और इसका पीबी रेशियो देखिए आप, 1.04 का इसका पीबी है, जबकि सेक्टर में 2.45 का पीबी चल रहा है। मतलब इस सेक्टर के मुकाबले अगर पीई पे भी ये आ जाता है तो ये आपको आराम से 100% के रिटर्न देके चला जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, इसकी मार्केट कैप देखिए आप, 45,224 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। देखिए यस बैंक जो पहले इसके अंदर कांड हुआ था, इसके जो सीईओ साहब थे उन्होंने बहुत कुछ घपले किए थे, इसके अंदर एनपीएस बढ़ रहे थे, लेकिन वो बात इसकी पुरानी बात है। अब इसका मैनेजमेंट बढ़ गया है, मतलब मैनेजमेंट इसका पूरा चेंज हो गया है और इसका मैनेजमेंट अभी अच्छा भी है। और कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी के डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, एडवांसेज बढ़ रहे हैं, तो वो सीधा कट इंडिकेशन है कि कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमाएगी। अब आप ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, देखिए 2017-18 में तो जब तक मैनेजमेंट ही बिल्कुल चेंज था, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो इसी साल 2020 में इसको 16,000 करोड़ का घाटा हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है कि इसके एनपीएस ज़्यादा हो रहे थे, इसके सीईओ वगैरह उसका घपला वगैरह था, तो उसके कारण ये बैंक पूरा डूब गया था। लेकिन अब जब इसका मैनेजमेंट चेंज हो गया, इसका अगर आप अभी क्वार्टर वाइज का परफॉर्मेंस देखोगे तो इसका क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस भी सब बढ़िया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यस बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि अपने प्री लेवल, मतलब जो पहले उसका जो लेवल था उस लेवल का आधे लेवल तक तो वो आ ही जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। अब आप ये देखिए, ये शेयर का रेट अभी है 18 रुपये और इसका अगर आप है ना पिछले प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो 0.27% ये पिछले प्राइस लेवल पे बढ़ा है। देखिए इसका अगर आप लो देखेंगे तो लो पे बाई चांस कभी इसका कुछ हो जाएगा तो आ भी सकता है, लेकिन देखिए हाई में बाई चांस फ्यूचर में अगर बैंक वापस अपने पहले वाले लेवल पर आ जाता है तो आ जाएगा। लेकिन यस बैंक मेरे ख्याल से इतना तो अभी काबिलियत जरूर है कि ये आपको आराम से, मतलब अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो आपको 3 साल तक इसके शेयर का प्राइस देखना नहीं है, क्योंकि बैंक को वापस ग्रो करने में मिनिमम 3 साल तो लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये, मतलब अगर 3 साल तक अगर बैंक फिर से कोई गलती नहीं करता है और कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्म करता है तो इस बैंक का शेयर का भाव आपको आराम से 3 साल के बाद 60 से 70 रुपये के लगभग दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए ये तो था एक पहला बैंक, अब मैं आपको दूसरा बैंक बताता हूँ। अब देखिए दूसरा बैंक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका पी रेशियो है 7.48 नेगेटिव। मतलब ये कंपनी भी मार्च 2020 तक की तो नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद इसका भी परफॉर्मेंस बढ़ा है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी 2-3 दिन पहले IDFC फर्स्ट बैंक के Q3 परफॉर्मेंस आए थे, जिसमें उसकी रिटेल के जो डिसबर्समेंट्स होते हैं, मतलब जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं, उसमें 100% का ग्रोथ देखने को मिला है और कंपनी के एडवांसेज और डिपॉजिट में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है और ये पी रेशियो पुराना है, तो अब इस पी रेशियो को एग्जामिन मत कीजिए। अब जो अगले साल का जो कंपनी का पीई होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आप इसका पीबी रेशियो देखिए 1.38 और ये भी आपको इसके सेक्टर के पीबी के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। मतलब अगर ये सेक्टर के पीबी को भी छू लेता है तो आपको इसमें आराम से 50 से 60% रिटर्न मिल जाएंगे। और इसका मार्केट कैप भी देखोगे तो ये एक मिड कैप स्टॉक है, जिसकी कैपिटल है सिर्फ 25,000 करोड़ के लगभग की। तो मेरे ख्याल से ये जो बैंक है वो आने वाले 2-3 साल में आराम से आपको लार्ज कैप होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये लार्ज कैप होता है तो तब तक इसके शेयर का प्राइस आराम से लगभग 80-90 रुपए होगा।
अब लेकिन अब आप ये देखिए, 2017-2018 में बैंक एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, फिर 2019 और बैंक में बैंक के रेवेन्यू मतलब बैंक के धंधे में कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन थोड़े से एनपीए ज़्यादा होने के कारण कंपनी में ज़्यादा घाटा होने लगा। लेकिन इस बार की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी के, तो इस बार की कंपनी के परफॉर्मेंस वापस बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब पहले जो मुनाफे में थी वापस उस मुनाफे में आ सकती है। अब आप ये देखिए, कंपनी को घाटा हो रहा है तो वो इसके शेयर प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। अब ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई ये 83 रुपीज़ और आपको कितने में मिल रहा है अभी, 44 रुपीज़ पे, जबकि लॉकडाउन में तो ये शेयर ने 17 का लो तक बना लिया था। तो अब आप ये सोचिए, तो मतलब ये आपको पहले से ही ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ये शेयर आपको पहले से ही मिल रहा है। लेकिन अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को छू लेगा और अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि 44 का अगर 83 हो जाएगा तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ना वो, क्योंकि वो 83 से 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन आप अभी बाय करेंगे और वो 83 जाएगा ना, तो आपको 100% रिटर्न इसमें मिलेंगे। मेरे ख्याल से एक IDFC फर्स्ट बैंक, अभी इसका कारोबार इतना हुआ नहीं है लेकिन धीरे धीरे इसका धंधा बढ़ रहा है, और मेन बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट खासी बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से, और ये मेन थोड़ा मॉडर्न अप्रोच से चलने वाला बैंक है, कम एम्प्लॉयज को ये रिक्रूट करता है और कम एम्प्लॉयज को ये ज़्यादा सर्विसेज देने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस से कोई बैंकिंग स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो अब अगर मैं तीसरा बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक ये है, इसके पीछे एक रीज़न है। आप ये देखिए, सेक्टर का PE 28.38 और आपको कितने में मिल रहा है, 25.76। तो देखिए मतलब सेक्टर के मुकाबले अभी भी आपको महंगा नहीं मिल रहा है, और मेन बात ये कि अभी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग चल रहा है, और इसका सेक्टर का PB देखिए 2.45, और ये अपने PB रेशियो देखिए, मतलब इसकी जो बुक में वैल्यू है उससे भी ये 61% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, मतलब 0.39, मतलब जो इसकी बुक में वैल्यू है, सपोज इसकी बुक में वैल्यू 100 रुपये, मतलब इसकी बैलेंस शीट में एक शेयर की, लेकिन ये मार्केट में भी 39 पे ही ट्रेड हो रहा है। तो मतलब ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड ये स्टॉक अभी मेरे को नज़र आ रहा है, और इसमें मेरे को एक भयंकर वैल्यू नज़र आ रही है। क्यों? अब आप ये देखिए, है ये मिड कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप है 30,287 करोड़, मतलब लगभग 30,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर ये बैंक है, पहले पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, दूसरे पे पंजाब नेशनल बैंक, और ये तीसरे पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका आपको पता होना चाहिए कि इसके इंटरनेशनल में भी इसका कारोबार है, दुबई, शारजा, वापर भी इसके बैंक खुले हुए हैं। देखिए मेरे ख्याल से पहले ये बहुत ही लॉस में चल रही थी, लेकिन अब ये भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करने लग गई है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आने वाले 3-4 क्वार्टर में कंपनी एकदम बढ़िया प्रॉफिट दिखाती है तो आपको इसमें आराम से उस वक्त ही, मतलब अगर आप निवेश अभी करते हैं तो आपको इतने मतलब 3-4 क्वार्टर्स के अंदर ही आपको इसमें आराम से 100% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखिए, आप एनडीएन इस पे देखिए, ये जो है ना कंपनी का रेवेन्यू, मतलब जो कंपनी की टॉप लाइन है ये देखिए, ये बताता है कि बैंक की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए 91,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, आप समझ सकते हैं मतलब बैंक का जो कारोबार है वो कितना खासा ही ज़्यादा है। देखिए इसका मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ है और 91,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, लेकिन कंपनी घाटा करती है। लेकिन देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़े घाटे के रहते हैं इश्यू, लेकिन इस बैंक के अंदर ऐसा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। अब क्यों, इसके पीछे एक और रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखिए पहले ये बैंक आपके लिए डेबिट कार्ड की जो फीस होती थी वो चार्ज नहीं करता था, तो वो पूरा खर्चा बैंक अपने खुद के ऊपर डालता था, तो अब इसमें डेबिट कार्ड फीस चार्ज होना चालू हो गई है। और मेन बात ये कि इसने अपने डेबिट कार्ड के धंधे को बढ़ा दिया,
मतलब अभी ये हर हर कंपनी के साथ है ना ज्वाइंट वेंचर हो रहा है इसका, और उसके बाद हर कंपनी के साथ जुड़कर ये कुछ ना कुछ ऑफर्स लेकर आ रहा है। और इसका आप रेवेन्यू देखिए, इसका रेवेन्यू बता रहा है कि इसका कस्टमर बेस खासा ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसका अगर डेबिट कार्ड का यूज अगर मार्केट में बढ़ता है तो वो सीधा आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आएगा। देखिए अभी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन आपको अगर इसमें अच्छा रिटर्न चाहिए तो कम से कम 3 या 4 साल आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बैंक है और बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और मेन बात ये कि इसके अंदर अभी इतना हाथ किसी का डला हुआ नहीं है। मेन टेक ये रिटेल इन्वेस्टर्स और उनके जो गवर्नमेंट है उसके पास ही पड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें भी बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये देखिए कंपनी का पहले कितना था, लगभग कंपनी 1800 करोड़ का मुनाफा इसका हाई था, मतलब 1800 करोड़ की इसकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी थी। और अभी आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 2020 के जो मार्च 2020 के रिजल्ट थे उसमें आधी हो गई। अब आप ये देखिएगा 206 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको कितने में मिल रहा है 65। मतलब जो कंपनी है देखिए आप, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो गई, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आधी हो गई। और ये कितना घट गया, ये आधे से भी ज़्यादा घट गया। अब ये देखिए अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बोलूँ ना आपको तो ये 140 रुपये गिरा हुआ है अभी, और 140 मतलब लगभग 200% ही गिरा हुआ है। तो आप सोचिए तो ये शेयर आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड भाव में मिल रहा है, और मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 4 साल में ये अपने ऑल टाइम हाई को आराम से टच कर लेगा और आपको आराम से इसमें 200% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो कि आपको कम से कम 4 या 5 साल तक होल्ड करना चाहिए और इसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। अब जो फोर्थ बैंक है वो है कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक भी मार्च 2020 तक घाटे में था, लेकिन इसने भी उसके बाद इसके जो क्वार्टर परफॉर्मेंसेस थे उसमें भी इसने भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कैनरा बैंक के अंदर अभी इसने QIP लेके आए थे, QIB, तो उसके अंदर 2000 करोड़ का इनका QIP था और जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 5000 करोड़ के लिए बिड किया है। तो देखिए इतने बड़े लोग अगर इतना अमाउंट में बिड कर रहे हैं तो उनको पता है कि इस बैंक में वैल्यू है। अब आप ये देखिए सेक्टर का पीबी है 2.45 और आपको कितने में मिल रहा है 0.32, मतलब इतना अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। मतलब इसकी जो बुक में वैल्यू है उससे भी 68% ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी घाटे में है, लेकिन अभी इसने क्वार्टर इसके जो परफॉर्मेंसेज आए हैं उसमें कंपनी ने लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर कंपनी लगातार 3-4 क्वार्टर में और प्रॉफिट रिपोर्ट करती है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे तो ये अंडर वैल्यूड है लेकिन यहां पर घाटे में, लेकिन ये भी अगर पॉजिटिव इंडिकेशन देने लग जाएगा तो इसका शेयर का प्राइस मतलब है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों को वैल्यू नजर आने लग जाएगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बैंक मेरे को भी नजर आ रहा है। और देखिए अभी गवर्नमेंट को भी कुछ लोगों ने ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब मार्केट में ऐसे रूमर चल रहे हैं कि कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है, मतलब जब तक गवर्नमेंट के हाथ में रहता है तो थोड़ा घाटा बैंकों को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर मतलब इसका प्राइवेटाइजेशन भी किया जा सकता है कैनरा बैंक का। तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन इसका होता है तो मेरे ख्याल से फिर तो ये आपको आराम से इसकी जो बुक वैल्यू है उसके प्राइस पे ये आराम से चला जाएगा, मतलब आराम से 68% के रिटर्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर आप इसके मिड कैप को देखोगे, मतलब जो इसका मार्केट कैप है वो सिर्फ 21,500 करोड़ के लगभग का है और एक मिड कैप ये अभी बैंक आपको मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये आराम से 2-3 साल में लार्ज कैप बन सकता है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कंपनी के, ये देखिए आप
कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं है, एट दी एंड सिर्फ थोड़ी सी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत है, तो उसको अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट सुधारना चाहती है। वो धीरे धीरे इस बैंक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहती है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कोई भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद क्या होता है, मतलब अगर आप किसी, पहले आप एक्सिस बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक भी पहले ऐसी फ्लैट कारोबार किया करता था, फिर लगभग 20-25 साल पहले बैंक ने, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सिस बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया था। तो उसके बाद आप देखिए एक्सिस बैंक रॉकेट की तरफ भागने लग गया और वो, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के पास जाने के बाद क्या है कि एट दी एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीईओज की, प्रमोटर्स की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो पूरा अच्छे से फोकस भी करते हैं बैंक के ऊपर। अब आप ये देखिए 463 रुपीस का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको इसने, मतलब सस्ते दाम में ही आपको ये शेयर मिल रहा है। 131 रुपए पे ये शेयर आपको अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इतना सस्ता भी आपको ये शेयर मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये आपको हर डाउनफॉल पे ये शेयर खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कैनरा बैंक फिर से एक बढ़िया बैंक बनेगा और धीरे धीरे इस साल का जो इसका क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल से तो ये वापिस से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। और देखिए अगर 4-5 साल में सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को भी ये टच कर लेता है तो भी आपको आराम से 400% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। वैसे 400% रिटर्न तो 520 रुपए पे होते हैं, मतलब लगभग 300 से 350% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे अगर ये सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर लेता है तो। देखिए अगर इसको, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लेवल के लिए बाय करना है तो मेरे ख्याल से जितने भी मैंने बैंकिंग स्टॉक आपको बताए ये आप करंट प्राइस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। अब जो लास्ट बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब आप ये देखिए सेक्टर के पीई के मुकाबले महंगा मिल रहा है, मानता हूँ कि ये आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि ये 2-3 साल पहले ये नीरव मोदी के केस की वजह से बहुत ही बुरा फंसा था और बैंक की हालतें पूरी खिसक गई थी। लेकिन अभी भी इसकी बुक में वैल्यू देखिए, अभी भी इसकी बुक में वैल्यू से ये आपको 63% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अगर बुक में वैल्यू 100 रुपए है तो ये 37 रुपीज पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 37,090 करोड़ के मार्केट कैप है और आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया का सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेकंड हाइएस्ट इसका कस्टमर बेस है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब आप ये देखिए कंपनी के रेवेन्यू में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साल नीरव मोदी के केस हो गया था तो नीरव मोदी के केस के बाद इसके एनपीएस बढ़ गए तो कंपनी घाटे में आ गई। देखिए 9,500 करोड़ का कंपनी का घाटा, उसके बाद कंपनी ने 430 करोड़ का मुनाफा कमाया है, मतलब वापिस से कंपनी उठी है। देखिए 9,500 करोड़ के बाद 430 करोड़ का अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया तो कितनी बड़ी बात है। कंपनी घाटे से अगर इतना मुनाफा कमा रही है तो ये बहुत बढ़िया बात है और इस बार भी कंपनी के क्वार्टर के परफॉर्मेंसेज खासे बढ़िया आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो मैंने आपको 500 बैंक बताए हैं, देखिए अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते। देखिए मैं मानता हूं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से चार्जेस बढ़ रहे हैं और बैंक की जो नेट इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और उनको जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कम हो गया है, तो जब तक ये रहेगा तो तब तक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम बढ़िया रहेगी। तो जब इनके नतीजे निकल कर आएंगे ना तो सब लोग इन स्टॉक को खरीदने के लिए बेकाबू होंगे और उस वक्त आप इन स्टॉक को होल्ड कर रहे होंगे, तो आप इस बात को समझिए। अब आप ये देखिए ये 231 का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको कितने में मिल रहा है, 35.40 रुपए पे, मतलब जितना भी इसका बुरा वक्त था वो इसके प्राइस में पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। आप ये देखिए आपको ऑल टाइम हाई से, मतलब एकदम पैनी की तरह ये स्टॉक आपको अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और देखिए तो 65% का ये बलि घाटे में पहले से चला गया है। तो मेरे ख्याल से ये इतना ज्यादा बुरा, मतलब नीचे के नीचे ये 25 रुपए से नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाएगा।
मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये 500 बैंक अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में आपको ये आराम से 100% रिटर्न ये बैंक आपको दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि यार बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और ये सब जो बैंक हैं इनकी मेन दिक्कत है पैसा, और इनको पैसा मिल गया, अगर इनको पैसा मिल जाएगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बस मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे ख्याल से इन 5 बैंक में आप निगाहें रख सकते हैं। ये 5 बैंक एक ऐसे बैंक है जबकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ही सस्ते भाव में अभी मिल रहे हैं। देखिए हर बैंक में कुछ ना कुछ घपला जरूर हुआ है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ प्राइवेट है, किसी में कुछ मैनेजमेंट बदल गया, किसी का पूरा कारोबार ही बदल गया, तो मेरे ख्याल से अभी ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम रोज इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नाइस वीकेंड।